हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मिली छूट के बाद से ही भारतीय सिनेमा घर 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ खुल रहे थे, जिस कारण बड़ी बॉलीवुड फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही थी। निर्माताओं को उस पल का इंतजार था जब सरकार सिनेमा घरों को 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने की इजाजत देती। बीते वीकेंड यह ऐलान भी हो गया है और अब देश भर के सिनेमा घर 100% की ऑक्यूपेंसी के साथ खुलेंगे। बता दें कि सरकार के द्वारा दी गई इस बड़ी राहत के बाद सिनेमा प्रेमी उत्साहित हो उठे हैं और वो लगातार रुकी हुई बड़ी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज करने की गुजारिश कर रहे हैं। इन फिल्मों में अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी मुख्य है, जिसमें कटरीना कैफ भी अहम किरदार में दिखेंगी। बता दें कि सूर्यवंशी का इंतजार कर रहे फैंस का कहना है कि इस होली पर रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म अगर रिलीज हो जाए तो मजा ही आ जाए। फैंस लगातार हैशटैग सूर्यवंशी ऑन होली के साथ ट्वीट करके मेकर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो जल्दी सूर्यवंशी की रिलीज डेट का ऐलान कर दें। खबरों के माने तो सरकार से मिली राहत के बाद सूर्यवंशी के मेकर्स लगातार सिनेमा घरों के मालिकों संग चर्चा में हैं, ताकि उनकी फिल्म को शानदार रिलीज मिल सके। खैर, आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।